हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी खास होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आज बिहार की जलप्रपात और झीलों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, जैसे कि बिहार एसएससी, सीजीएल और बिहार पीसीएस की पीटी में हमने काफ़ी ऐसे सवालों को नोट किया जो कि इन टॉपिक से कवर किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में, हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे जलप्रपात को। ठीक है, तो बिहार राज्य में आने वाले सभी जलप्रपातों को हमने कवर कर लिया है, अब हम एक नजर इस पे डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड जलप्रपात को। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे झारखंड जलप्रपात को, जो कि भोजपुर जिले में, बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है, फुलवरिया नदी पे। किस नदी पे? तो फुलवरिया नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड जलप्रपात भोजपुर में फुलवरिया नदी पर स्थित है। अब देखेंगे हम दुर्गावती जलप्रपात को। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गावती जलप्रपात को देखेंगे, जो कि रोहतास जिले में छान पापर नामक स्थान पर, ठीक है, जो कि बिहार के रोहतास जिले में छान पापर नामक एक स्थान है, वहां पे स्थित है। किस नदी पे? दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? तो दुर्गावती नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 90 मीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबा ऊंचाई 90 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम सुखलदारी जलप्रपात को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये बता दूं मैं कि रोहतास जिले में 3 जलप्रपात पाए जाते हैं, सुखलदारी, दुर्गावती और धुआकुंड। ठीक है, तो अब सुखलदारी जलप्रपात को हम देखेंगे। सुखलदारी जलप्रपात कान्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, सुखलदारी जलप्रपात जो है रोहतास जिले के कन्हर नदी पर स्थित है और यह 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे धुआकुंड जलप्रपात को। धुआकुंड जलप्रपात को देखेंगे, जो कि रोहतास जिले के ताराचंडी पहाड़ी से गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि रोहतास जिले के ताराचंडी पहाड़ी से कावा नदी से गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई देखेंगे हम तो 36.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे करकट जलप्रपात को, जो कि कैमूर जिले से में स्थित है। करकट जलप्रपात जो कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, करकट जलप्रपात, ठीक है, यह जलप्रपात, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यह क्रमनासा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर? क्रमनासा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 30 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, मीटर है। अब हम देखेंगे ककोलत जलप्रपात को। ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा जिले के कोडरमा पठार से निकलने वाली नदी पर स्थित है। किस नदी पर ककोलत जलप्रपात है? तो कोडरमा के पठार से निकलने वाली नदी पर यह स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 47 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा जलप्रपातों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बिहार की झीलों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम झील चलेंगे, झील में कांवर झील की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, कांवर झील जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कांवर झील जो कि बेगूसराय के मझोला गांव में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, कांवर झील को पक्षी विहार का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कांवर झील। ठीक है फ्रेंड्स, अब जगतपुर झील की बात करें, ठीक है, जो कि बिहार के भागलपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कुल 400 हेक्टेयर, ये 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है जगतपुर झील। कहाँ पर है? तो भागलपुर में। इसी तरीके से देखेंगे सिमरी बख्तियार झील कहाँ पर है, तो सिमरी बख्तियार झील बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। अब देखेंगे गोगा बिल झील, आपने बहुत नाम सुना होगा गोगा बिल झील और कांवर झील का। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी पीटी के लिए यहीं से। ठीक है फ्रेंड्स, गोगा बिल झील को देखेंगे तो ये कटिहार जिले में स्थित है, मनिहारी नामक गांव के में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कटिहार के मनिहारी में स्थित है ये। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें कुरसेवा स्थान झील की बात करें। ठीक है, तो ये दरभंगा जिले में है। ठीक है, दरभंगा जिले में है, इसे सन 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। इसमें सर्दी में साइबेरियन क्रेन के नामक पक्षियां निवास करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो माना जाता है कि साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी जो है इस पक्षी अभयारण्य में अपना निवास स्थान बना रखा है, वहां पर निवास करते हैं। इसी कारण इसे सन 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने झीलों को देखा और यहाँ हमने जल प्रपातों को देखा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने झील के बारे में जाना और यहाँ हमने जल प्रपात के बारे में जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, अच्छे से इस मैप द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।